जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन हाथों में एक पिस्टल है, और ये पिस्टल देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस छात्र का अध्यापक है। जी हाँ, ये मामला है ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का, जहाँ एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने अपने छात्र को लाइसेंसी पिस्टल थमा दी। दरअसल कोचिंग संचालक अपने छात्र को बंदूक चलाना सिखा रहा था। कोचिंग संचालक की कोचिंग गाजियाबाद में है। छात्रों को किताबों का ज्ञान देने की बजाय ये संचालक हथियार कैसे चलाए जाते हैं ये सिखा रहा है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने इस वीडियो के बारे में जांच करनी शुरू की। पुलिस ने पाया कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला अध्यापक अपने छात्र को बंदूक चलाने सिखा रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षक छात्र को बंदूक चलाने का गुरु मंत्र दे रहा है और खुद भी तमंचे को हाथ में लेकर वीडियो बना रहा है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दोनों अध्यापक और छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से तमंचा और लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि अध्यापक की लाइसेंसी पिस्टल का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि एक छात्र के हाथ में उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल को देकर अपराध किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। ये देखिए, थाना बादलपुर क्षेत्र में आज एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें दो लोग को गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें इंटर का छात्र बताया जा रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका टीचर बताया जा रहा है, ट्यूशन टीचर। इस वीडियो में एक जो ये दोनों लोग हैं, एक लाइसेंसी पिस्टल और एक अवैध तमंचा ये लोग यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इन लोग को जेल भेजा गया है।